नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये, क्योंकि टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार हर राजनीतिक दल चिंतन मंथन कर रहा है, और उसी बीच कांग्रेस ने आज तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 229 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तेलंगाना में 55 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की यहां पर बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंदौर एक से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को उतारा है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनावी मैदान में होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 नवंबर को वहां चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होना है, 7 नवंबर और 17 नवंबर, ये दो दिन वोटिंग होगी। पांचों ही राज्यों में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो यहां देखिए, एमपी छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है और छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की लिस्ट है, जिसमें छिंदवाड़ा, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहां पर उन्हें अंबिकापुर से टिकट दिया गया है। और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो लिस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की बात कर ले तो एक अलग ही रणनीति के साथ बीजेपी ने अपनी लिस्टों को जारी किया है। और ऐसे में अगर हम केंद्रीय मंत्री और सांसदों को जो जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, ऐसे में कांग्रेस की ये लिस्ट देखना और ज्यादा मायने रखता है और ज्यादा अहम हो जाता है। तो पहली लिस्ट आ गई है, नवरात्र का आज पहला दिन, और हालांकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी थी कि पितृपक्ष के बाद ही जो है लिस्ट जारी की जाएगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन तीन राज्यों के लिए लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। पहली लिस्ट आज सुबह सुबह सामने आ गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी की गई है, और तेलंगाना की बात कर लें तो 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया गया है। यानी कुल 229 नामों का आज ऐलान किया गया है पहली लिस्ट में, जिसमें मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है। हालांकि राजस्थान के लिए अभी इंतजार और करना होगा, क्योंकि 18 अक्टूबर का दिन मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी इसकी लिस्ट। तो ऐसे में चिंतन मंथन वहां लगातार चल रहा है, क्योंकि चुनौती तो राजस्थान में भी बहुत बड़ी है इस वक्त। रिवाज क्या तोड़ पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है।